हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों में से दोस्तों बहुत सारे लोगों ने यार कांतारा मूवी को देख लिया होगा, नहीं देखा है, मैंने भी नहीं देखा है। लेकिन भाई मूवी का जो पोस्टर है और उसमें जो कैरेक्टर्स वगैरह है वो मुझे बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगा है। तो मैंने सोचा कि ना एक ड्राइंग बनाया जाए वो भी इस ऑयल पेस्टल का यूज करके। तो वीडियो भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनने वाला है, तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दो। तो इस ड्राइंग को दोस्तों करने के लिए मैं यूज करूंगा ब्रूस्टो पेपर, और यहाँ पे देख सकते हो A3 साइज का पेपर है और इसका थिकनेस भी 200 GSM का है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं मास्किंग टेप का यूज करके पेपर को सेट कर देता हूँ, और पिक्चर को दोस्तों मैंने फोन पे डाउनलोड कर लिया है, यहाँ पे देख सकते हो। आउटलाइन को दोस्तों करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ब्रूस्टो ग्राफाइट पेंसिल। तो सबसे पहले भाई हम लोगों को आइडिया करना है फेस का जो प्रोपोर्शन है वो किस तरीके का होगा। तो यहाँ पे मैं एक लेआउट बना रहा हूँ, मतलब कि भाई एक आइडिया ले रहा हूँ फेस कहाँ पे होगा और बॉडी कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे भाई हम लोगों ने एक लेआउट बना लिया है, तो इसको हम लोग अभी डिटेल करने वाले हैं। तो डिटेलिंग को भाई आप लोग देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। जिस जगह पे हम लोगों ने आइडिया किया था सेम जगह पे हम लोग आंखों को दे रहे हैं, उसके बाद नाक को दे रहे हैं, तो इसी तरीके से हम लोगों को डिटेल करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो आउटलाइन है देख सकते हो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो यार कलर को भाई शुरू करने से पहले कलर को मैं किस तरीके से यूज करने वाला हूँ वो एक बार देख लो पहले। तो यहाँ पे दोस्तों मैं रेड कलर का यूज कर रहा हूँ, और रेड कलर को स्मूथ करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे मैं येलो कलर को भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो कलर है वो स्मूथ नहीं है, तो इसके लिए मैं एक पेपर का टुकड़ा यूज कर रहा हूँ स्मूथ बनाने के लिए। अभी यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो दो कलर को एक साथ किस तरीके से मिक्स कर सकते हो, तो इसके लिए भी हम लोगों को पेपर का टुकड़ा चाहिए। तो इस तरीके से भाई घिसने से हमारा जो कलर है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है। तो सबसे पहले भाई मैं येलो कलर का यूज कर रहा हूँ फेस को करने के लिए। फेस के ऊपर भाई बहुत ज्यादा येलो कलर है, और इस ड्राइंग पे दोस्तों रेड और येलो कलर का यूज ही सबसे ज्यादा है। तो येलो कलर को देने के बाद यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर का यूज कर रहा हूँ शेड्स को बनाने के लिए। तो अभी दोस्तों कलर को ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे मैं एक पेपर का यूज कर रहा हूँ, और पेपर को आप लोग इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो। फोल्ड हो जाने के बाद कलर के ऊपर अच्छे तरीके से रब करना है ताकि हमारे जो कलर है अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। अभी दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से यूज करूंगा ब्रूस्टो ग्राफाइट पेंसिल, और यहाँ पे दोस्तों मैं 10B पेंसिल का यूज करूंगा डिटेलिंग को करने के लिए। पोर्शंस को दोस्तों ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे ईयरबड का भी यूज करूंगा। तो फेस दोस्तों हमारा लगभग खत्म हो चुका है, अभी हम लोग बैकग्राउंड और मुकुट जो है उसको भी करेंगे। और टेक्निक दोस्तों बिल्कुल सेम है, आप लोग अच्छे तरीके से देखो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, मेरे हैंड्स को ऑब्जर्व करो तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
ड्राइंग दोस्तों मेरा खत्म हो चुका है और ड्राइंग आप लोगों को किस तरीके का लगा है वो कमेंट पे जरूर बता देना। और इस ड्राइंग को करने में यार मुझे 3-4 दिन का टाइम लग गया है, तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। और भाई चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब करके ही जाओगे, वो मुझे पता है, कर लो यार सब्सक्राइब। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silently it could build and build until you finally see.